डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक अनदर पार्ट एडवर्ब का अध्ययन करेंगे। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के शाब्दिक अर्थ पर चलें तो डियर स्टूडेंट्स, क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है, अर्थात एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? लेकिन एक एडवर्ब न केवल वर्ब को बल्कि एडजेक्टिव और किसी अन्य एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। यानी एक क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण और किसी अन्य क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है या उसे मॉडिफाई करता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर विथ थ्री सेंटेंसेस। नंबर फर्स्ट, ही स्पीक्स slowly. Number two, he is very slow. Third, he speaks very slowly. Dear students, आपके सामने तीन sentence है। अब आप देखें तो इस sentence में speaks एक वर्ब है और स्लोली यहां पर स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है। यानी स्पीक बोलना, अब कैसे बोला जा रहा है, बहुत ही धीरे धीरे, यानी ये उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये स्लोली एडवर्ब हुआ। ही इज वेरी स्लो। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर स्लो एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को और मॉडिफाई कर रहा है वेरी, मतलब बहुत ही अधिक स्लो। तो वेरी यहां पर एडवर्ब है। थर्ड सेंटेंस, ही स्पीक्स वेरी स्लोली। तो यहां पर स्लोली की तरह ये भी स्लोली एक एडवर्ब है और वेरी जो कि इस एडवर्ब को और अधिक मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए वेरी भी एक एडवर्ब है जो कि किसी अन्य एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख रहे हैं तो एक एडवर्ब है वो किन किन को मॉडिफाई यानी विशेषता बता रहा है। नंबर वन वर्ब, नंबर टू एडजेक्टिव, नंबर थ्री एडवर्ब। यानी एक एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव और किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए इसकी हम डेफिनेशन लिख लें। ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। डियर स्टूडेंट्स, यानी एक ऐसा शब्द जो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाइज करता है वह एडवर्ब कहलाता है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, आप इन जो भी यहां पे मैं लिखता हूं उसको वापस समझने के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए जब आप रिविजन करें। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं और एडजेक्टिव के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगला हमारा पॉइंट है काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स नौ प्रकार की होती है। सबसे पहली है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ, दूसरी एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, फोर्थ एडवर्ब ऑफ डिग्री, फाइव एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव, सिक्स एडवर्ब ऑफ रीजन, सेवन एडवर्ब ऑफ नेगेशंस या अफर्मेशंस, एट एडवर्ब ऑफ नंबर एंड लास्ट नाइन्थ रिलेटिव एडवर्ब्स या एडवर्ब ऑफ रिलेशंस। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार नौ एडवर्ब्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आइए सबसे पहला हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, शब्द से ही हमें पता चल रहा है
वह एडवर्ब जो हमें समय की जानकारी देता है या समय का बोध कराता है उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, रिसेंटली, अर्ली, सून, ऑलवेज, ऑलवेज, अर्ली, सून। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ शब्द होते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम ये प्रकट करता है कि कार्य कब हुआ है, यानी कार्य के समय की जानकारी हमें प्रदान करता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे सी इज कमिंग नाउ, यानी वह आ रही है। कब आ रही है? नाउ, यानी अभी आ रही है। माई फ्रेंड केम यस्टरडे, मेरा मित्र आया। कब आया? यानी आने के बारे में जानकारी दे रहा है। कब आया? यस्टरडे, यानी कल। तो यहां पर यस्टरडे है वो एडवर्ब ऑफ टाइम। ही विल कम टुमारो, वह आएगा। कब आएगा? टुमारो। तो यहां पर टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, नाउ, यस्टरडे, टुमारो या समय को इंगित करने वाले कुछ ऐसे शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। क्लियर? अगला हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर टू, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस यानी स्थान, यानी वह एडवर्ब जो कि किसी स्थान का बोध कराता है एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, इन, आउटसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, अप, डाउन, ये सब किसी भी स्थिति को इंगित करता है कि वो कहाँ स्थित है। जैसे ही इज हियर, वह यहां है, यानी उसके स्थान को बता रहा है कि वह यहां है। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है, यानी किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के स्थान के भाव को या स्थान को बताता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। यानी इस प्रकार के एडवर्ब ऑफ टाइम से हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य कहां हुआ है। क्लियर? अगला है हमारा नंबर थर्ड, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर यानी रीति या तरीका। कभी कभी हम आपस में बोलते समय काम में लेते हैं कि इसमें मैनर्स नहीं है। मैनर का मतलब है कोई कार्य करने का ढंग या रीति नहीं है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, जिस एडवर्ब से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य किस ढंग से या तरीके या रीति से हुआ है उसे एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। जैसे स्लोली, ब्रेवली, वाइजली, ब्यूटीफुली इत्यादि कुछ ऐसे शब्द है जो हमें तरीके यानी कोई कार्य करने के तरीके के बारे में बता रहा है। डियर स्टूडेंट्स, स्लो, ब्रेव, वाइज, ब्यूटीफुल ये कुछ एडजेक्टिव है जिनके साथ एलवाई जुड़ने से ये एडवर्ब बन जाता है। तो आइए इनके हम प्रयोग को देखें। स्लोली का हमने प्रयोग पहले देख ही लिया है। एक और देख लेते हैं सेंटेंस, ही राइट स्लोली, यानी उसके लिखने का तरीका है वो कैसा है? बहुत ही धीमा है, स्लो है, इसलिए यहां पर स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर होगा।
द किंग फॉट ब्रेवली, राजा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। तो यहां पर लड़ने का कार्य हो रहा है और कैसे लड़ा गया यानी बहादुरी पूर्वक, इसलिए ये ब्रेवली उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। राहुल विल एक्ट वाइजली, राहुल कोई एक्ट कार्य करेगा, कैसे करेगा, वाइजली यानी बुद्धिमता पूर्वक, यानी कार्य करने का या अभिनय करने का कार्य बड़ा ही बुद्धिमता पूर्वक हो रहा है, इसलिए ये वाइजली भी एडवर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, जो किसी वर्ब के बारे में हमें या वर्ब कार्य के तरीके के बारे में हमें बताता है वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। और यहां पर आप इस वाक्यों में देखें तो वाइजली, ब्रेवली, स्लोली है, वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर्स होता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारा नंबर फोर्थ पॉइंट है, वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री यानी स्तर या किसी चीज वस्तु की मात्रा, यानी वह एडवर्ब या शब्द जो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव के गुणों की मात्रा का बोध कराती है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाती है। जैसे मच, वेरी, क्वाइट, एक्सट्रीमली। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे शब्द है जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आते हैं और किसी कार्य या वर्ब या एडजेक्टिव की मात्रा को निर्धारित करती है। जैसे इट इज वेरी हॉट, यहां पर हॉट एक एडजेक्टिव है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है वेरी यानी और अधिक गर्म, यानी गर्मी के स्तर को बढ़ा रहा है। तो यहां पर वेरी है जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ही इज पुअर, डियर स्टूडेंट्स, ही इज पुअर, यह वह गरीब है। डियर स्टूडेंट्स, इसको और मॉडिफाई हम एक्सट्रीमली के साथ करेंगे। ही इज एक्सट्रीमली पुअर यानी वह अत्यधिक गरीब है, यानी उस एडजेक्टिव की और विशेषता बता रहा है या स्तर को बढ़ा रहा है कि वो और अत्यधिक गरीब स्थिति में है। सी इज क्वाइट राइट, अब यदि हम इसको देखें सी इज राइट वह सही है, तो यहां पर क्वाइट है वो राइट को और मॉडिफाई यानी उसके स्तर को बढ़ा रहा है। ही इज क्वाइट राइट, वह बिल्कुल सही है यानी उसकी सही होने की मात्रा को यहां पर और मॉडिफाई यानी बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार वेरी, एक्सट्रीमली, क्वाइट, ये कुछ एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है जो कार्य को किस प्रकार या किसी बात की किस प्रकार से अधिक जानकारी मिलती है ये हमें बताता है, यानी ये कार्य को या किसी विशेषता को, एडजेक्टिव को और उसके स्तर को बढ़ाकर हमें बताता है। क्लियर। अगला हमारा पॉइंट है एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव। नेक्स्ट नंबर फाइव, इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंतर्गत जैसे कि हमने इंट्रोगेटिव के बारे में अब काफी जान लिया है, इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, यानी वे शब्द या एडवर्ब जिनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है वो एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव वर्ड कुछ और भी होते हैं जैसे हु, हुम, हुज, विच। डियर स्टूडेंट्स, वो आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्लियर। लेकिन यहां पर हम एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं, तो बाकी जो बचे हुए हैं वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव, इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं।
वेयर विल ही गो, वह कहां जाएगा, यानी किसी स्थान के बारे में हमें यह जानकारी मिलेगी। तो जो स्थान के बारे में पूछता है वो एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव कहलाता है। व्हाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, यहां पर रोने का जो आंसर आएगा वो कोई कारण होगा, तो जो कारण के बारे में पूछता है व्हाई, वो आपका एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव है। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, यानी तुम्हारे स्कूल जाने के समय के बारे में पूछा जा रहा है। जो समय आएगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, लेकिन जो समय के बारे में पूछा है यानी व्हेन शब्द, वो एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव कहलाएगा। क्लियर? हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, तो यहां पर सीखने का एक तरीका होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो उस तरीके के बारे में जो कोई पूछ रहा है प्रश्न, और वो जो शब्द हम काम में लेते हैं हाउ, वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव कहलाते हैं। इनसे हम प्रश्न पूछते हैं और इनके उत्तर के रूप में कोई ना कोई एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन निकल कर आता है। यानी इसमें देखें तो वेयर विल यू गो, तो इसका आंसर होगा कोई एक स्थान जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। व्हाई, यहां पर रीजन पूछा जा रहा है, व्हाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, तो उसका आंसर कोई रीजन होगा, तो वो एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, यहां पर समय के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर एक एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं, तो इसका आंसर कोई ना कोई एक तरीका या ढंग, मैनर होगा, जो कहलाएगा डिग्री ऑफ मैनर। क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारा नंबर 6 पॉइंट या काइंड ऑफ एडवर्ब है, वो है आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन यानी कारण, यानी वह शब्द या एडवर्ब जो किसी कारण का बोध कराता है उसे एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। इसके कुछ शब्द है हैंस, देयरफॉर, वाई। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर वाई एडवर्ब ऑफ रीजन है, हमने अभी इससे पहले वाई को एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव में भी पढ़ा था, तो इसमें उसमें अंतर यह है कि जब वाई का प्रयोग एक इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में हो या सेंटेंस में पीछे क्वेश्चन मार्क हो तो वो शब्द यानी वाई एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव होता है, और यहां पर हम इसका प्रयोग सीखेंगे जिसमें इसके साथ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, तब ये एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। जैसे राम इज ए गुड बॉय, दैट इज वाई आई हेल्प्ड हिम, यानी राम एक अच्छा लड़का है इसीलिए मैंने उसकी मदद की। तो मेरी मदद करने का जो कारण है वो है राम का अच्छा लड़का होना। क्लियर? तो यहां पर मेरी मदद करने का जो कारण बना है यानी जो रीजन वाई शब्द आया है वो रीजन को इंगित करता है कि मैंने, राम एक अच्छा लड़का है इस कारण मैंने उसकी सहायता की। ही इज वर्किंग हार्ड, therefore he gets good marks, he is working hard, यहां पर मैं चेंज कर दूं, he works hard, वो मेहनत करता है इसलिए,
ही गेट्स गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त करता है। तो यहां पर उसके अच्छे अंक प्राप्त करने का कारण है उसकी कठोर मेहनत। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आप भी मेहनत करते रहें तो निश्चित तौर पर आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये एडवर्ब फ्रीजन हुआ जो कि किसी कारण का बोध कराता है। अगला है हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशंस या अफर्मेशंस। नंबर 7, एडवर्ब ऑफ नेगेशन या अफर्मेशंस, वे सब जो किसी अनिश्चितता या निश्चितता के भावों को प्रकट करते हैं या बोध कराते हैं वो एडवर्ब ऑफ नेगेशंस और अफर्मेशंस कहलाते हैं। नेगेशंस यानी नकारात्मकता और अफर्मेशन यानी सकारात्मकता, यानी जो अनिश्चितता का भाव प्रकट करता है वो नेगेशन के अंतर्गत आता है और जो निश्चितता का भाव प्रकट करता है वो अफर्मेशंस के अंतर्गत आता है। जैसे नॉट, ने, नो, ये नेगेशन के अंतर्गत आता है जो कि अनसर्टेनिटी को बताता है और यस, सर्टेनली, श्योरली, इसको प्रकट करता है वो आपका बाय ऑल मीन्स, एक और वर्ड है बाय ऑल मीन्स यानी हर हाल में हर तरीके से, ये अफर्मेशन यानी सर्टेनिटी को प्रकट करता है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता और सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता, यानी ये किसी कार्य को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। जैसे नो, शी विल नॉट कम, वह नहीं आएगी, यानी उसके आने की अनिश्चितता है। ही विल डू इट बाय ऑल मीन्स, यानी वह ही विल डू इट बाय ऑल मीन्स यानी वह हर कोई भी तरीका अपनाओ हर हाल में वह यह कार्य कर देगा। तो यहां पर बाय ऑल मीन्स है वो उसके कार्य करने की निश्चितता को प्रकट करता है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार कोई वाक्य में कार्य करने की निश्चितता या अनिश्चितता के बोध को प्रकट करता है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशंस या अफर्मेशंस कहलाता है। क्लियर। अगला हमारा पॉइंट है एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर 8, एडवर्ब ऑफ नंबर, जैसा कि नंबर आपको पता चल गया होगा वह एडवर्ब जिसे किसी संख्या का बोध होता है उसे एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे वंस, ट्वाइस, वन, टू, या फर्स्टली, सेकेंडली, ऑफन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये कोई भी कार्य होने की संख्या को कि बार बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, इसको इंगित करता है वो एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाता है। जैसे रमेश गोज टू जोधपुर वंस इन ए मंथ। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कार्य हो रहा है रमेश का, रमेश का जोधपुर जाना कितनी बार हो रहा है, महीने में एक बार, तो ये नंबर को इंगित कर रहा है।
बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार सेल्डम बार्किंग डॉग्स यानी भौंकने वाले कुत्ते कदाचित काटते हैं, यानी उनकी काटने की संख्या को बता रहा है कि कदाचित यानी कभी कभी मुश्किल से काटते हैं। क्लियर? ही ऑफन विजिट दिस प्लेस, यानी वह प्राय इस स्थान पर भ्रमण करता है या आता है। तो यहां ऑफन का मतलब है प्राय, यानी संख्या निश्चित नहीं है लेकिन दो तीन बार यानी प्राय वो यहां स्थान पर आता है। यानी ऐसी एडवर्ब जो किसी संख्या को बोध कराती है यानी किसी के कार्य के होने की बारंबारता को रिपीट करती है वो एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाती है। नेक्स्ट है अपना रिलेटिव एडवर्ब। नंबर नाइन्थ, रिलेटिव एडवर्ब, वह एडवर्ब जो कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में आती है या दो वाक्यों को जोड़ती है उसे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने एडजेक्टिव पढ़ा है तो हमने उसमें रिलेटिव एडजेक्टिव पढ़ा, जिसमें हु, हुम, हुज, दैट, विच को पढ़ा। उनको छोड़कर जो अन्य दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द काम में लेते हैं वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं, जैसे वेन, वेयर, वेन, वेयर, हाउ, वाई। डियर स्टूडेंट्स, यही हमने एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन में भी पढ़े थे, उस समय ये प्रश्न पूछने में काम आ रहे थे, लेकिन यहां पर ये दो वाक्यों को जोड़ने में काम आएंगे। जैसे टेल मी वेन यू विल गो, टेल मी वेन यू विल गो। यहां पर टेल मी एक सेंटेंस है, यू विल गो एक दूसरा सेंटेंस है, और दोनों को जोड़ने में ये वेन कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी एक रिलेटिव एडवर्ब के रूप में यहां पर काम कर रहा है, इसलिए ये वेन रिलेटिव एडवर्ब होगा। आई नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, यानी यहां पर मैं जानता हूं कि कैसे खेला जाए या कोई कार्य किया जाए। तो यहां पर हाउ है, दो सब सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यह रिलेटिव एडवर्ब है। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी एट, दिस इज द स्कूल, ये स्कूल है, ये वो स्कूल है वेयर, जहां आई स्टडी एट, जहां मैंने अध्ययन किया। तो यहां पर ये एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस है, इसको जोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो वेयर से हो रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ रिलेटिव कहलाएगा, क्योंकि ये इसके संबंध को दर्शाता है। यदि मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दो सेंटेंस अलग अलग लिखूं, जैसे दिस इज द स्कूल आई स्टडी एट हियर। डियर स्टूडेंट्स, मान लो मैं अपने किसी पुराने परिचित या फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा हूं और मुझे अपनी पुरानी स्कूल नजर आई, तो मैं कहूंगा कि दिस इज द स्कूल आई स्टडी एट हियर, मैंने यहां पर अध्ययन किया है। ये यहां पर दो सेपरेट सेंटेंस है, लेकिन यदि उस दो वाक्यों को यदि एक वाक्य बनाए जाए या एक वाक्य में बोला जाए तो हम रिलेटिव एडवर्ब को काम में लेंगे। और यहां पर आप देखें तो हियर यानी एक रिलेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि पहले वाले किसी वाक्य के प्लेस से जुड़ा हुआ है, और यही संबंध कहलाता है रिलेटिव यानी रिलेशन। क्लियर? यानी संबंध वाचक विशेषण। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस के हियर को हटा देंगे और उसकी जगह वेयर एक कंजक्शन या रिलेटिव एडवर्ब काम में लेंगे और इस सेंटेंस को इस प्रकार लिखेंगे, देयर इज द स्कूल
वेयर आई स्टडी इट। डियर स्टूडेंट्स, ये केवल अभी पूरा एडवर्ब का इंट्रोडक्शन है, फिर ऐसे सेंटेंस बनेंगे जिसमें दो सेंटेंस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाने हैं। उसमें हम एक एक चीज पढ़ेंगे, सीखेंगे कैसे जोड़ना है, कहाँ इनका प्रयोग करना है। केवल आज इतना ही हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर हम ये एडवर्ब ऑफ रिलेटिव या एडवर्ब ऑफ प्लेस हम काम में ले रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब का पूरा पार्ट हो गया। हमने पूरे 9 के 9 एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं जिसमें आप एडवर्ब ढूंढना है। नंबर 1 सेंटेंस, पहला है द एग्जामिनेशन रन्स स्मूथली। द एग्जामिनेशन रन्स स्मूथली। नंबर 2 है द सन शाइन्स ब्राइटली। द सन शाइन्स ब्राइटली। नंबर 3 है ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट है दिस इज नंबर 4, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 5 है वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने 5 सेंटेंस है, इसमें आपको एडवर्ब ढूंढना है और वो किस प्रकार का एडवर्ब है ये आपको लिखना है। तो आप इस वीडियो को एक बार स्टॉप करके आप उस वाक्यों में से एडवर्ब को निकाल कर उसके काइंड्स ऑफ एडवर्ब लिखना है और फिर वापस वीडियो को प्ले करके अपने आंसर चेक करने हैं। तो लेट्स चेक द आंसर। द एग्जामिनेशन रन्स स्मूथली, यहां पर स्मूथली है वो रन यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए स्मूथली है वो एक प्रकार का एडवर्ब है। और वो कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, क्लियर। तो यहां स्मूथली एक एडवर्ब है जो किस प्रकार का एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। द सन शाइन ब्राइटली, शाइन वर्ब है जो कि ब्राइटली यानी किस प्रकार से चमक रहा है, कि तेज चमक रहा है, तो यहां ब्राइटली है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है यानी किस प्रकार से चमक रहा है, उसके ढंग या रीति को वो इंगित करता है। ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो यहां पर जाना ही कार्य हो रहा है और जाना कब हो रहा है? टुमारो। तो टुमारो है वो एक एडवर्ब है और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय क्रिया विशेषण, क्लियर। दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है और इसको ओवर मॉडिफाई कर रहा है वेरी, तो वेरी यहां पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है। हमने पढ़ा है जो कि किसी एडजेक्टिव को ओवर मॉडिफाई करे, बताए कि इसकी मात्रा बताए कि कैसी एक इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक इंटरेस्टिंग है, एक वेरी इंटरेस्टिंग, क्लियर। अगला है वेयर डू यू लिव, तो आप देखें कहां रहते हैं वेयर, तो यानी यहां पर स्थान के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप एडवर्ब का अध्ययन करके किसी भी सेंटेंस में आए हुए एडवर्ब के प्रकार को पहचान सकते हैं, क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके लिए और भी ऐसी नई नई जानकारियां डिटेल में और एक्सरसाइज में आपके सामने आती रहेगी। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।